आज हमारी बाइक कलेक्शन में ऐड होने आ रहा है एक और टू व्हीलर मशीन। पहले सेखा झील जाएंगे, 1 घंटे वहां पे अपना टाइम खराब करेंगे। ये ज्यादा मजेदार है। दूर से सलाम रख और मूत भी रहा हूँ मैं उसकी तरह। तो आज लैंग्वेज देख के आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज थोड़ा सा खुशी वाला माहौल है क्योंकि आज हमारी बाइक कलेक्शन में ऐड होने आ रहा है एक और टू व्हीलर मशीन। तो उसी को लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं अलीगढ़। अजय भाई ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अभी वेट किया जा रहा है। तो मोंटी भाई का वेट क्या यार, अभी उनके घर जाना पड़ेगा क्योंकि 8 बजे से मैं उन्हें लगातार फोन कर रहा हूँ और वो फोन उठा के नहीं दे रहे क्योंकि वो सो रहे होंगे। और कल शाम को प्लान ये डन हुआ था कि 8 बजे यहाँ से निकलना है, तो अभी देखो 9:30 तो पहले ही से बज चुके हैं। तो अभी उनके घर जाएंगे और उन्हें उठा के फिर निकल जाएंगे सीधा अलीगढ़। भैया फाइनली निकल चुके हैं अलीगढ़ के लिए और अभी अगर टाइम की बात करूँ तो 11:15 हो रहे हैं। कहाँ सोचा था 8 बजे निकलने का और 11 बजे निकल पा रहे हैं। अभी 10 मिनट पहले ही मोहित भाई आए थे, मैं मोहित भाई के घर गया, उनको उठाया, फिर उन्होंने कहा कि आ रहे हैं 10-15 मिनट में, फिर भी इन्होंने आधा घंटे से ज्यादा ही ले लिया। तो अभी देखो अच्छी खासी धूप भी हो गई है, सोचा था 8 बजे निकल जाएंगे, इतनी ज्यादा धूप होती नहीं है, तो अभी हमें दोनों तरफ से धूप ही धूप मिलेगी। तो हम 4 लोग जा रहे हैं, मैं, मोंटी भाई, अजय और विवेक। अजय और विवेक पीछे हैं और मेरे साथ हैं मोंटी भाई। तो भाई देखो धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है तो बाइक को लग रही है प्यास, तो इसको पेट्रोल पिलानी पड़ेगी। तो भाई आप देख ही सकते हो कि धूप का कहर कितना पड़ रहा है, धूप से थोड़ी सी राहत पाने के लिए जुगाड़ बिठाई गई है विवेक भाई के द्वारा। 7-8 किलोमीटर हुए होंगे घर से निकले हुए और अभी से मैं पानी मांग के आऊँ, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं पानी की व्यवस्था करके लाया हूँ। 1 लीटर की पूरी ठंडी बोतल रख के लाया हूँ जो कि हमारा अलीगढ़ तक प्रॉपर साथ देगी। तो देखो अभी हमने ऐसा कुछ प्लान किया है कि पहले ना हम रुकेंगे सेखा झील। अभी तक हम लोग कभी भी सेखा झील में घूमने नहीं गए, अलीगढ़ काफ़ी बार जाते रहते हैं और इस महीने में ये शायद मेरा 5वीं बार हो रहा है अलीगढ़ जाना। हमेशा सेखा झील को देखते हुए जाते हैं और मन बनाते ही रह गए अब तक कि अब जाएंगे, लेकिन कभी जा ही नहीं पाए। तो अभी ये प्लान किया है कि पहले सेखा झील जाएंगे, 1 घंटे वहाँ पे अपना टाइम ख़राब करेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे अलीगढ़। वैसे अभी हम पहुँच चुके हैं ढोलना, यहाँ से सेखा झील अप्रॉक्स 30 किलोमीटर और होगा। वैसे तो आधा घंटा लगना चाहिए लेकिन फिर भी हम मैक्स में 1 घंटा जोड़ लिया हमने। तो यार देखो अभी देखा जा रहा है कि कोई जगह मिल जाए हमें जहाँ पे छाव हो, वहाँ पे हम रुक जाएं और पानी पी सकें क्योंकि यार बहुत ज़्यादा तेज प्यास लग रही है, भर भर के प्यास लग रही है, एकदम गला सूख रहा है। यहाँ पे रुकें क्या, आगे रुकते हैं, पेड़ के नीचे रुकते हैं, ये सही जगह है। वो पानी की व्यवस्था इसमें करके लाया हूँ मैं, लो पियो। तो भाई देखो ऐसा पहली बार हो रहा है कि अलीगढ़ जाते हुए हमने कभी ब्रेक लिया हो, क्योंकि अलीगढ़ 60 किलोमीटर है जब घर से गाड़ी स्टार्ट होती है और डायरेक्ट अलीगढ़ जाके ही रुकती है। लेकिन आज धूप की कंडीशन ये थी कि हमें पानी पीने के लिए रुकना पड़ा और एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा और ब्रेक लेके थोड़ा सा खर्चा भी कर दिया सेंटर फ्रूट लेने का। सेंटर फ्रूट लेके मुँह में डाल दिया, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा चबाते चबाते। तो भाई बीच रोड पर देखो ये माहौल बना हुआ है, अभी ना राउंड राउंड मार रही थी ये गायें रास्ते में, तो सब लोगों को रोकना पड़ा। और अगर इसी जगह पे कोई हाई स्पीड पे आ रहा हो तो उसका तो फिर काम ख़त्म ही है। तो देखो हम सेखा झील पहुंचने वाले हैं, 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस अप्रॉक्स बची होगी। ये लो भाई पहुंच गए सेखा झील, लेकिन वो लड़के कहाँ हैं? तो भैया 120 रुपये का जुर्माना देने के बाद हम निकल चुके हैं पंछियों को देखने के लिए विद सस्ते डिवाइन। भाई अपना लुक तो दिखा दो आज वाला डिवाइन। हाँ अच्छे से बात कर छोड़े छोड़े अच्छे से बात कर छोड़े। हाँ हाँ नहीं बोलेगा। हाँ थोड़ा रह गया भाई अब हर चीज। हम पक्षी देखने आए हैं। हाँ हाँ आगे जंगल में एक उल्लू देखने को मिल गया। एक उल्लू देखने को मिल गया। हाँ तो देखो पक्षी बच्ची तो देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन ये आदमी मिल रहा है सरासर। डिवाइन भाई क्रो क्रो हियर 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 ऐसे नहीं थोड़ा सा खोल के और पैंट मत खोल दियो। तो भाई देखो अभी क्रो के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखा है। एक डिवाइन भाई मुझे डिवाइन भाई तुम्हारे साथ ही थे। इस पे जाके अंदर देखना होता है क्या? ऐसे कुछ भी देखना है। चलो फिर अंदर जाओ भाई, जाओ रॉयल एंट्री दे दे। हाँ बिल्कुल। ऑडियंस बुलाओ इधर।
कोई बात नहीं, तू ये कर ले लेट, लेट एज्यूम मैथ में करते थे, ठीक है तेरा हो गया। भाई देखो काफी देर घूमने के बाद हमें पंछी मिले हैं, लेकिन काफी दूर है हमसे, तो हम उन्हें देखने में काफी ज्यादा असमर्थ हैं। तो देखो ऐसे जूम कर करके फोन में देख रहे हैं, यहाँ देखो बातचीत चल रही है, इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, हमें तो यार दूर से काफी छोटे छोटे सब दिख रहे हैं। हमने मिस कर दिया DSLR लाना, अगर DSLR लाए होते तो यहाँ पे चल जाती थोड़ी सी फोटोग्राफी। अच्छा वो चील और बाज कह रहा है उसे पानी में बैठे हैं, वो सारस है, वो तो इतना चोरू आदमी है, सिरसा कह रहा था ये सारस को सारस को सिरसा कह रहा था इतना ही कोर्स है क्या यहाँ का? आगे चलते हैं, वहाँ तो बहुत सारे पंछी थे बोर्ड पे, बोर्ड पे तो यार बहुत सैड सैड लग रहे थे, ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, और यहाँ पे इन पक्षियों के अलावा कुछ आवारा आशिक पंछी भी हैं। 30 रुपए में वो भी देखने को मिलेगा, 30 रुपए में वो भी देखने को मिलेगा। तो यार देखो ये वाला पेड़ मिला है मैं देखने को, काफी ज्यादा सुंदर, और इस पे ना 4-5 नीलकंठ बैठे हुए थे जो कि हमें देख के उड़ गए। कोई भी उड़ सकता है, जानवरों को देख के जानवर ही उड़ते हैं, जानवर को देख के पक्षी उड़ जाते हैं। इतनी गहराई से क्या देख रहा है पानी में? सांप देख रहा हूँ, सांप। यहाँ देखो मछली पालन भी चल रहा है। अरे इधर तो धूप है टोले। अच्छा कैसा लग रहा है आपको? अब गर्मी लग रही है। 120 रुपए फूंक कर, अभी फूके कहा, अभी तो फूकेंगे। 120 का मजा पूरा बोले रहे हैं। 120 तो तुम्हारे बुके हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? भाई 120 रुपए देके इतना सेठ चूतिया कटा है, कुछ भी देखने को नहीं मिला, कुछ भी। ये देखो हमें फोटो में देखने को मिली है, लेकिन रियंटी में नहीं मिला ऐसा कुछ। रियंटी में उल्लू मिले देखने को। ये है लाल सिर बतख, लेकिन इसकी चोंच है बस लाल। जल मुर्गी भी देखने को मिल गई है फोटो में, सब फोटो में मिला है देखने को। सारस देखा था, सारस भी उपलब्ध है यहाँ पे, झूले वाली सुविधा भी अवेलेबल है। अजय भाई हेलमेट लगा के झूला झूल रहे हैं फुल प्रोटेक्शन में, मैं भी आ जाऊँ क्या? रोक तो भाई, चलो भाई, चलो भाई शुरू कर लो, गिनना मत कोई। रोक ले भाई। ये तो खतरनाक चीज है भाई, चक्कर सा आ रहा है, इस पे बैठूंगा मैं। तू डक्का मार, उल्टे घूम रहे हैं एक चक्कर मरवा दियो इनको, एक चक्कर मरवा दे। 3-2-3 एक साइड आ रहा है, कोई बीच में बैठ के। ये ज्यादा मजेदार है, तेरे पैर वाली सुविधा बढ़िया नहीं है। तो भाई देखो झूलों का लुफ्त लेने के बाद हम जा रहे हैं टावर पे, चल भाई बढ़ता रहे। आ जाओगे? डर तो नहीं लगेगा? वैसे इस पे बच्चों का आना मना है, इस पे साफ लिखा हुआ है। तो भाई देखो ऊपर से कुछ ऐसा व्यू मिल रहा है, 30 रुपए, वहाँ पंछी वच्छी देखने में तो बेकार हो गए, लेकिन ये चीज तो और बढ़िया लगी। 10 रुपए का तो भैया देखो 30 रुपए बेकार नहीं गएंगे, 20 रुपए बेकार गए हैं, जो बात है वो है। और चढ़ने में इस पे प्रॉपर मजा आया है। अजय भैया तो देखो प्रोटेक्शन के साथ आए, अगर गिर गिरा पड़े तो इनका खोपड़ा ना खोले, रोआबजा ना निकले। तो देखो फरमाइश आ रही है यहाँ से कि अगर बारिश होगी यहाँ पे तो कितना ही मजा आएगा, वैसे यहाँ पे ना कोहरे में भी मजा ही आ जाएगा। तो भाई हमारे दोनों भतीजे जा रहे हैं नीचे कोल्ड ड्रिंक और कुछ खाने पीने की वस्तुएं लेने। हाँ ठीक है, ओके, हेलमेट ले जा, जा भाई सावधानी पूर्वक जाना, सावधानी पूर्वक ही आना। कोल्ड ड्रिंक अगर हाथ से छूट रही हो तो छोड़ना मत, ऊपर फेंक देना। तो भाई थोड़े से वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं हमें, यानी कि लड़के चढ़ के ऊपर आ रहे हैं, और यहाँ पे जो हवा का माहौल चल रहा है ना भाई, वो बहुत सेट चल रहा है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा हमें महसूस होने को मिल रही है, इतनी भी नहीं हो रही। माउंटेन ड्यू, कटरीना कैफ क्या कह रही हैं? ऐसा लग रहा है। हाय 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 भेलपुरी, मोटा खर्चा।
भाई पूरी टिकट का जो पैसा है वो तो यही खत्म हो गया। अच्छा टिकट से ज्यादा खर्च हो गया। तो ऊपर आके देखो, दिल कर गया कि थोड़े और पैसे फूक दे। तो भाई खा पी के मिलते हैं फिर ना, मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा तो तीनों खत्म कर देंगे। तो गाइस लैंग्वेज देख के आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं। काफी दूर निकल आए हम लोग घर से, तेलंगाना। लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही है, बंगाल आए हुए हैं, वेस्ट बंगाल आए हैं हम लोग। अब ड्यू पी ली है, शक्ति पूरी आ गई है, अब नीचे उतर के जाना नहीं है सीढ़ियों से। मैं नहीं पी, से कूद मारनी है, अब यहीं से कूदना है। अब सुलाइस पी ली तूने, अब जोश उतर जाएगा। मिक्स हो गया, टोटल हो गया ना मैं। तुम दोनों लोग नहीं हो। भाई हमें भी कर लें दो पे न्यूट्रल। पानी पी ले, पानी पी ले ना, पानी पी लो तो फिर न्यूट्रल तो होना बहुत जरूरी है। मिर्च बहुत ज्यादा थी इस भेलपुरी में, थोड़ी सी तो गंदगी कर दी। जानवर होते हैं, गंदगी होती है, हम तो इंसान है, हमारे सभी तो और ज्यादा गंदगी करेंगे। बोतलें ले ली हैं, बाकी इसका कुछ कर नहीं सकते, ये हवा में उड़ जाएगा, ये हवा में उड़ जाएगा। अरे भाई प्रोटेक्शन लेते हुए उतर रहे हैं नीचे, ऐसे करके बांध लूं इसको, बांध ले भाई, लोग आएगा। भाई अगर कोई VIP नंबर है तो वो नंबर ये है, UP 81 V 81। अब समझ नहीं आ रहा है कि नंबर इतना ही है या फिर इन्होंने कुछ छुटवा दिया इसमें से। वैसे इतना तो होगा नहीं, वही तो भाई दो अंक छुटवा दिए हैं। तो अभी देखो अलीगढ़ बचा हुआ है यहाँ से 20 किलोमीटर, तो दो बच चुके हैं भाई, आधा घंटा और लगेगा हमें अलीगढ़ पहुँचने में। तो भाई देखो अलीगढ़ पहुँचने से पहले हमें क्या लाइनें देखने को मिली हैं, भैया ने अपनी बुलेट पे लिखवा रखा है नंबर की जगह मतलब की दुनिया को दूर से सलाम, और इधर एक लौंडा मूत भी रहा है। दूर से सलाम रख और मूत भी रहा हूँ मैं उसकी तरह। मोहित भाई ऐसे कार्टून कहाँ से आते हैं, मतलब कि दुनिया को दूर से सलाम नंबर की जगह। अच्छा भैया नंबर लिखा हुआ है, नंबर वो नीचे वाला है जो दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, वो ये नंबर पता ही नहीं पड़ रहा है क्या, लेकिन मतलब कि दुनिया को दूर से सलाम जरूर है। अच्छा मतलब कि दोस्ती है, सॉरी भाई सॉरी, मतलब कि दोस्ती को दूर से सलाम है भाई। आगे और होगा, आ जा तो फिर क्या है। तो भाई देखो अभी हम ले रहे हैं यू टर्न, क्योंकि पीछे ना रुहाबजा बट रहा है इस पे या आगे। विवेक भाई की खास डिमांड आई थी कि भाई रुहाबजा पीने के लिए रुकना है, क्योंकि यार हराम की चीज लेने का तो मजा ही कुछ और है, और प्यास भी खूब अच्छी खासी लग रही है। ये है भाई, ओए होए 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 होए, मोहित भाई 2-3 गिलास मार दो भाई। कितने गिलास मारोगे, 4। तो भाई शरबत सूतने के बाद और पूरे 20-25 मिनट खराब करने के बाद अब बढ़ा जा रहा है आगे की ओर। तो देखो बाइक भी चेंज हो गई है, मैंने कहा भाई बहुत चला ली तुमने, बस तुम्हारी अब लिमिट पूरी हो गई है, अब बाइक चेंज कर ली जाए। तो भैया देखो सीन कुछ ये है कि अलीगढ़ तो हम पहुंच चुके हैं, और हमने कौन सी मशीन ली है ये आपको देखने को मिलेगा अगले वाले ब्लॉग में। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, और अगले ब्लॉग में मिलते हैं यार फिर।